कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जी बहुत ही आम प्रॉब्लम है, काफी सारे लोग विश्व में इस प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं। तकरीबन 10 से 18% लोगों को ये कब्जी की शिकायत यानी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके कारण वर्क परफॉर्मेंस कम हो सकता है, रोज की जिंदगी में आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, दिन भर आप एक्टिविटी में ध्यान नहीं पाते और इसके कारण हेल्थ केयर कॉस्ट भी काफी बढ़ता है। और अगर आपकी उम्र 50-60 साल के ऊपर है तो तकरीबन 30% चांस है कि आपको कब्जी की शिकायत एक बार हो सकती है या फिर बार बार रिपीटेड भी हो सकती है। तो कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन क्या है? कॉन्स्टिपेशन का मतलब है यदि आपको एक्सेसिव टॉयलेट में जोर करना पड़ता है यानी स्ट्रेन करना पड़ता है, यदि आपको कठोर मल आ रहा है गुदे द्वार की जगह पे, या फिर आपको टॉयलेट करने के बाद इमोशन पास करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि खुलासा से टॉयलेट नहीं हुआ है, या फिर आपको अटकने का जैसा फीलिंग आ रहा है यानी गुदे द्वार की जगह पे मोशन अटक रहा है ऐसा आपको फीलिंग आ रही है, या फिर उंगली से आपको निकालना पड़ता है मल, या फिर बार बार एनिमा लेना पड़ता है, या फिर आपको एक हफ्ते में 3 या 3 से कम बार अगर आपको मोशन पास हो रहा है तो उसका मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन है। अगर ये सब फैक्टर्स जो मैंने आपको बताया उसमें से 2 प्रॉब्लम अगर आपको है तो उसका मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। तो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की क्या कारण है, क्या इसके रीजंस है? ऐसे तो 100-200 रीजंस हम बोल सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में, लेकिन कुछ कॉमन रीजंस है और कुछ ऐसे रीजंस है जो आज साइंस समझ नहीं पाया है। तो कुछ रीजंस जो कॉमन है जो मैं आपको सामने पेश करने वाला हूँ, और कभी कभी हेरिडिटरी भी हो सकता है यानी वारसागत भी हो सकता है। तभी जो रीजंस है उसमें हम 2 विभाजन कर सकते हैं, मोटिलिटी डिसऑर्डर्स या फंक्शनल डिसऑर्डर्स, और दूसरा है पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर्स यानी स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स। मोटिलिटी डिसऑर्डर्स यानी मूवमेंट में कुछ इश्यू आ रहा है, जैसे कि आपके खाने पीने में कुछ बदलाव है या फिर आपकी डाइट बराबर नहीं है। जैसे कि अगर आपके खाने में फाइबर कम है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स सीरियल्स की इनटेक आप कम रख रहे हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ज्यादा हो सकता है। यदि आपके खाने पीने में पानी की मात्रा कम है यानी डिहाइड्रेशन है तो फिर आपको कब्ज की शिकायत ज्यादा हो सकती है। यदि आपका कुछ ट्रैवलिंग प्लान हो जाता है या फिर आपके डाइट में कुछ बदलाव आ जाता है तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। दूसरा है लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, यानी अगर आपकी गतिविधि कम है, एक्टिविटी कम है, व्यायाम एक्सरसाइज मूवमेंट्स कम है तो आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। यदि आपकी उम्र बहुत ज्यादा है यानी 50-60 साल से ज्यादा उम्र है तो आपको 30% चांस है कि आपको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो सकती है। यदि आपका वेट ज्यादा है, वजन ज्यादा है तो ये सब लोगों को भी कब्ज की शिकायत ज्यादा रहती है। यदि आप कोई कारण से घूम फिर नहीं पा रहे या फिर आपको स्ट्रोक पैरालिसिस का प्रॉब्लम है तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ज्यादा हो सकती है। इम्पेयर्ड मोटिलिटी यानी इंटेस्टिनल यानी आंत की गतिविधि कम हो गई, जैसे कि कोलोनिक इनर्शिया यानी आप बहुत टाइम से कुछ चूरन या देसी पाउडर ले रहे तो धीरे धीरे वो आंत की मूवमेंट्स कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। फिर स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन यानी मूवमेंट ही एकदम वीक हो गई है या फिर आंत के जो मसल्स है वो वीक हो गए जिसके कारण खाना आगे प्रोपेल नहीं हो रहा है। फिर है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसमें भी कॉन्स्टिपेशन कभी कभी देखा जा सकता है। और साथ ही साथ यदि आपको कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट करनी है तो इसमें भी एक ग्रेडेड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको खान पान में देखना है कि क्या आपके डाइट में फाइबर कम है, क्या आप पानी कम पी रहे, तो सबसे पहले आपको ये ठीक करना है। आपको मेडिसिन, अगर कोई मेडिसिन के वजह से कब्जी या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसे आपको चेक करना है और आपके डॉक्टर की सलाह लेके वो मेडिसिन को चेंज करके क्या आपको कोई दवाई बदलवानी है या फिर वो दवाई को रोकना है तो ये आपको देखना है। इसके बाद भी अगर कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होता है तो बल्ब फॉर्मिंग एजेंट्स यानी इसबगुल है, साइलम मस्क है, ये सब का आप प्रयोग कर सकते हैं जो काफी सेफ है और नेचुरल फाइबर है। इसके बाद भी अगर आपको तकलीफ रहती है तो फिर ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स है या बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स है, लैक्टुलोज डिफालेक सिरप क्रिमाफिन सिरप, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन कम करने के लिए। इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा जो आपको हेल्प कर सकता है यानी आपको दवाई भी कम लेनी पड़ेगी और आपको लंबे अरसे पे कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम हम कैसे कम कर सकते हैं इसके लिए पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपी। जी हाँ, फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताएगी कि आपको गुदे द्वार के जगह पे जो मसल्स है उसका कैसे स्ट्रांग करना है और उसको हाथ की मूवमेंट बढ़ाने के लिए आपको कैसे हेल्प कर सकता है। और अंत में अगर आपको फिर भी तकलीफ नहीं हो रही है या कम नहीं हो रही है तो फिर कॉन्टैक्ट लैक्सेटिव्स है और एनिमा, इसका भी आपको प्रयोग करना पड़ सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप एक बार बराबर से चेकअप करा लीजिए, जिससे कोई सीरियस बीमारी तो नहीं है उसको पहले एक्सक्लूड करना जरूरी है, जैसे कि कैंसर है
या फिर कुछ और गंभीर बीमारी है, और फिर उसको ग्रेडेड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप इसका ट्रीटमेंट या इलाज किया जा सकता है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन से मुक्ति हो, तकलीफ कम हो और आप आपके रोज बरोज के रूटीन एक्टिविटीज में ज़्यादा ध्यान दे पाए और आपका काम करने की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाए और आपकी हेल्थ ओवरऑल अच्छी रहे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फिर कुछ मेडिसिन जैसे कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स है, आयरन सप्लीमेंट्स है, इसके वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स यानी मस्तिष्क की बीमारी जैसे कि पैरालिसिस, स्ट्रोक के प्रॉब्लम, पार्किंसन के प्रॉब्लम, अगर डायबिटीज लंबे टाइम से तो वो भी नस को इफेक्ट करता है, उसके कारण भी आपको कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम हो सकता है। थायराइड के प्रॉब्लम्स यानी कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड अगर आपके शरीर में कम बन रहा है तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। फिर जो दूसरा एक कारण हो सकता है वो साइकेट्रिक या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यानी कि अगर आपको ज़्यादा बेचैनी रहती है, डिप्रेशन है, या फिर आपके फूड प्रेफरेंसेस एकदम ही बदलाव आ जाता है, या फिर आप टॉयलेट को ज़्यादा रोक रखते हो क्योंकि टॉयलेट आपको इजीली एक्सेसिबल नहीं है, या फिर आपको प्राइवेसी का इश्यू है, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, जो छोटे बच्चों में भी देखा जाता है। फिर है पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर्स, जो मैंने आपको बताया था, यानी स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स, यानी आपका डाइट बराबर है, मूवमेंट्स बराबर है, लेकिन जो मसल्स है उसका कोऑर्डिनेशन बराबर नहीं हो रहा है, जो रिलैक्स होना चाहिए टॉयलेट साफ करने के टाइम वो रिलैक्स बराबर नहीं हो पा रहा है, यानी पेल्विक फ्लोर मसल्स का फंक्शन बराबर नहीं हो रहा है, या फिर गुदे द्वार के जगह पे कोई रास्ता में अटकाव आ रहा है, या फिर पूरी आंत ही नीचे उतर रही है टॉयलेट के साथ साथ तो भी वो रास्ता अटक सकता है, यानी एंटरोसिल, रेक्टोसिल और रेक्टल प्रोलैप्स, जो ये सब बीमारी ये पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर्स है जिसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है तो पहले तो सबसे पहले आपको एक बार थोड़ा सा आपके कोई फैमिली फिजिशियन है या फिर कोई डॉक्टर है जिसको आप चेकअप करा सकते हो, तो बेसिक ब्लड टेस्ट हो सकता है आपका, एक बार चेकअप होगा, फिर कुछ ज़रूरत पड़ी तो आगे सीटी स्कैन या फिर कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी, और फिर एडवांस लेवल पे कुछ कुछ और भी टेस्ट रहते हैं जैसे कि ट्रांजिट मार्कर स्टडीज है, बलून एक्सपल्शन टेस्ट है, रेक्टल मैनोमेट्री यानी गुदे द्वार की जगह पर प्रेशर कितना है, या फिर MRI या एक्सरे डेफिकोग्राफी। तो ये सब कुछ टेस्ट है जो बेसिक से एडवांस तक व्यक्तिगत यानी पेशेंट के हिसाब से कौन सी टेस्ट जरूरी है वो आपका डॉक्टर आपको गाइड कर सकता है। और साथ ही साथ यदि आपको कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट करनी है तो इसमें भी एक ग्रेडेड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको खान पान में देखना है कि क्या आपके डाइट में फाइबर कम है, क्या आप पानी कम पी रहे, तो सबसे पहले आपको ये ठीक करना है। आपको मेडिसिन, अगर कोई मेडिसिन के वजह से कब्जी या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसे आपको चेक करना है और आपके डॉक्टर की सलाह लेके वो मेडिसिन को चेंज करके क्या आपको कोई दवाई बदलवानी है या फिर वो दवाई को रोकना है, तो ये आपको देखना है। इसके बाद भी अगर कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होता है तो बल्ब फॉर्मिंग एजेंट्स यानी इसबगुल है, साइलम हस्क है, ये सब का प्रयोग कर सकते हैं जो काफ़ी सेफ है और नेचुरल फाइबर है। इसके बाद भी अगर आपको तकलीफ रहती है तो फिर ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स है या बल्ब फॉर्मिंग एजेंट्स है, लैक्टुलोज, ड्यूफालेक सिरप, क्रिमाफिन सिरप, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन कम करने के लिए। इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा जो आपको हेल्प कर सकता है, यानी आपको दवाई भी कम लेनी पड़ेगी और आपको लंबे अरसे पे कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपी। जी हाँ, फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताएगी कि आपको गुदे द्वार के जगह पे जो मसल्स है उसका कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, उसको हाथ की मूवमेंट बढ़ाने के लिए आपको कैसे हेल्प कर सकता है। और अंत में अगर आपको फिर भी तकलीफ नहीं हो रही है या कम नहीं हो रही है तो फिर कॉन्टैक्ट लैक्सेटिव्स है और एनिमा, इसका भी आपको प्रयोग करना पड़ सकता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक बार बराबर से चेकअप करा लीजिए, जिससे कोई सीरियस बीमारी तो नहीं है उसको पहले एक्सक्लूड करना ज़रूरी है, जैसे कि कैंसर है या फिर कुछ और गंभीर बीमारी है, और फिर उसको ग्रेडेड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप इसका ट्रीटमेंट या इलाज किया जा सकता है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन से मुक्ति हो, तकलीफ कम हो और आप आपके रोज बरोज के रूटीन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान दे पाए और आपका काम करने की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाए और आपकी हेल्थ ओवरऑल अच्छी रहे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।